Good morning everyone and welcome back to my channel and welcome back to our new vlog. Saturday morning है और हम जा रहे हैं श्री मारुति साई धाम टेम्पल जो हनुमान जी का टेम्पल है और दिस इज ऑपोजिट टू बॉम्बे पुना हाईवे ऑन टुमकुरु रोड बेंगलुरु कर्नाटका और बेंगलोर सिटी से इसकी ड्राइव है अप्रॉक्सीमेटली 1 hour and 10 minutes और जो रास्ता हम इसके लिए ले रहे हैं वो है नाइस रोड से टुमकुरु रोड बॉम्बे पुना हाईवे की तरफ और बेंगलोर का ट्रैफिक ये तो आप देख ही रहे हो कोई नई बात है ही नहीं हमेशा ही मिलेगा और पहुंच गए हैं हम मारुति साई धाम मंदिर के बाहर और देखिए कितना सुंदर मंदिर है सो अंदर ना इस टेंपल में मोबाइल कैमराज यूज करना अलाउड नहीं है सो यहाँ से ली मैंने टेंपल के लिए ऑफरिंग एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे है शनि भगवान जी का मंदिर और ये विराजमान है हमारे बाबा यहाँ पे टेंपल के अंदर जाके तो मैं लाइव आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी पर इसके बारे में आपको अपना इस ब्लॉग में सारा बता दूंगी और फिर बाबा के दरबार में जाने के बाद मुझे मिल गई पंडित जी से अंदर कैमरा यूज करने की परमिशन और फिर पंडित जी ने भी हमें सारी डिटेल्स इस टेंपल के बारे में बताई वो तब आप इस मेरे ब्लॉग में देखने वाले हो और इसी की वजह से मैं आपको सारा मंदिर का व्यू अंदर से दिखा पाऊंगी ये है नीलमंगला के पास है अड़कमार नहली ग्राम का विराजमान अभय आंजनेय स्वामी 36 फीट हाइट का बहुत ही बड़ा सुंदर मूर्ति है और विशेषता कोई आके नमस्कार करके कोई आके भक्ति भाव से विनम्र प्रार्थना करते हैं सबका भय निवारण करके अभय देने वाला बहुत ही विशेष अनुग्रह का मूर्ति है भय को निवारण कोई को होता है अभय का अभय होता है भय निवारण होता है जिंदगी में वो जिंदगी में आगे जाने के लिए एक शक्ति मिलता है भय को निहसता मतलब भय को संपूर्ण निवारण करके अभय निवारण करने वाला एक बहुत विशेष शक्तिशाली मूर्ति है 100 टन का है और कोई इमेजिन नहीं कर सकते हैं 100 टन का बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही सिंगल स्टोन का विशेषता सिंगल स्टोन का है और बढ़िया कलाकारों के हाथ में सुंदर मूर्ति बना हुआ है डेली अन्नदान का प्रसाद भी वितरण होता है अन्नदान का श्रेष्ठ दान है ये कलयुग में अन्नदान का विशेष शक्ति है कलयुग का बहुत ही बड़ा दान क्या है वो अन्नदान होता है क्योंकि अन्नदान का प्रसाद वितरण डेली रहता है शनिवार का दिन बहुत ही विशेष माहौल करीब रहता है काफ़ी देखा हुआ रहता है बहुत ही अच्छा मंदिर है बहुत ही बड़ा विशाल जगह में अच्छा कोई आके दर्शन करते हैं दर्शन करके जाके नमस्कार करके संतोषी माता है संतोषी माता का विग्रह है साई बाबा स्वामी का विग्रह है बहुत अच्छा मंदिर है अभय स्थानीय स्वामी का दर्शन के लिए सबको आने के लिए परिवार स्वागत करते हैं सभी को स्वागत करते हैं कंचन वरण विराज सुबह सा कानंद कुंडल सो बाबा के दर्शन के बाद मैं आ गई इधर जहाँ माँ संतोषी माँ का टेम्पल है Thank you.
लगभग सारे देवी देवता हमारे यहाँ पर विराजमान हैं। और इसी मंदिर परिसर में साईं राम जी का भी स्थान है। और हो गई पूरी हमारी नवग्रह की प्रतिमा। बाहर कर लिए बाबा के दर्शन पूरे और मुझे पूरी उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलूंगी। टेक केयर और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।